आप एज ए पेशेंट, आपकी ड्राई आई नहीं है क्योंकि लेजर्स बाद में थोड़ी सी ड्राइनेस कर देता है आई की, तो जिनकी ऑलरेडी आंख ड्राई है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। और हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हुमाकियानी सेगल है और मेरा इंटरेस्ट ऑप्थल्मोलॉजी, जो आंखों के डिजीजेस हैं। आई एम ए कंसल्टेंट और वर्क इन फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, हेडिंग द डिपार्टमेंट, आंखों का डिपार्टमेंट तो मैं हेड कर रही हूँ। अनदर क्वेश्चन जो बहुत आई थिंक फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है और बड़ा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ज़माना ही लेज़र्स का है, तो लेज़र जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जन, रिफ्रैक्टिव सर्जरी को एग्जाइमर भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी के आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फर्दर एडवांस हो गया, जिसको हम फेम्टो रिफ्रैक्टिव भी कहते हैं, और कुछ प्रोसीजर्स को हम PRK कहते हैं। ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के लेज़र्स की ही प्रोसीजर्स हैं, जो ऐनक का नंबर उतारने के लिए, ऐनक का नंबर अडल्ट एज में उतारा जा सकता है। अब कुछ लोग 20 भी कहेंगे, कुछ लोग 18 कहेंगे, बट सेफ जोन में अगर हैं तो 21 एंड अबव। इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या है, क्या हर इंसान अपनी ऐनक को उतरवा सकता है? नहीं, हर इंसान नहीं उतरवा सकता। उसके लिए उसका क्राइटेरिया है, पहला आपकी एज ठीक होनी चाहिए, दूसरा आपकी ऐनक का नंबर स्टेबल होना चाहिए। हम जब स्टेबल की बात करते हैं कि आपकी ओवर द ईयर्स, लेट से अगर नंबर बढ़ भी रहे तो 0.25 का बढ़ा, ये नहीं कि एक साल आपका -3 है, दूसरे साल आपका -4 है। आगे जाके यूजली ये माइनस नंबर्स के लिए होता है, प्लस के लिए भी है, लेकिन सक्सेसफुल या मोर पॉपुलर ये मायोपिया, जो माइनस नंबर्स हैं या मायोपिक एस्टिगमेटिज्म, उनके लिए होता है ये। अच्छा, इसके अलावा आपकी आई एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। सो स्टेबिलिटी ऑफ द नंबर, आपकी एज ठीक होनी चाहिए और कोई और एबनॉर्मेलिटी आई की ना चल रही हो, इन द सेंस कि कोई इन्फेक्शन ना चल रही हो। आप एज ए पेशेंट, आपकी ड्राई आई नहीं है क्योंकि लेज़र्स बाद में थोड़ी सी ड्राइनेस कर देता है आई की, तो जिनकी ऑलरेडी आँख ड्राई है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। समझें जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनके साथ उनकी आँख भी ड्राई हो सकती है, तो ऐसे लोग जिनकी कोई और प्रॉब्लम भी चल रही है जो आई को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ये एसोसिएशन में उनके लिए नहीं है। अब आपने आई एग्जामिनेशन, इसके अलावा आई कंप्लीट एग्जामिनेशन, लाइक आई सेड, इन्फेक्शन में नहीं होना चाहिए किसी को, उस वक्त नहीं करना, और कोई ड्राई आई तो नहीं करना। प्लस बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है तो उनको बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह करना है और क्या करना है। सवाल ये भी होता है बाद में कि जी 100% रिजल्ट है, बहुत आके लोग पूछते हैं कि जी ये एक दफ़ा लेज़र हो गया तो हमारी ऐनक पूरी तरह से उतर जाएगी। माजरत के साथ कोशिश हम पूरी होती है कि आपकी उतर जाए, लेकिन अगर आपका जिस तरह बॉडी का वेयर एंड टेयर होता है, तो अगर आई का बॉल, आई बॉल या आपका नंबर खुद ओवर द ईयर्स थोड़ी सी साइज में या कोई चेंज आई में आके थोड़ा सा नंबर आ जाए, तो नंबर आ जाता है। हाँ, उतना नहीं आता है कि जितना आपका है, लेकिन ये कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं है कि एक दफ़ा आपकी लेज़र होगी तो दोबारा कभी नहीं होगी। कभी कभार हमको ओवर द ईयर्स रीडू भी करना पड़ता है थोड़ा सा। सो ये जस्ट लाइक हर चीज़, आपकी प्रोविजन है, आपकी ऐनक उतर सकती है। लेज़र इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, अ वेरी सेफ टेक्निक, लेकिन वो टेक्निक जब आपकी आई इज़ परफेक्ट, इन द सेंस कि वो है कि आपको आपका ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कह के ये आप कैंडिडेट हैं लेज़र ट्रीटमेंट की, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बहुत, जो बहुत सी पूछी जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन यूजुअली सेफ है। मैंने बताया था कि आँख थोड़ी सी खुश्क हो जाती है, सो उन पर इनको आर्टिफिशियल टेयर्स ऑन एंड ऑफ डालने पड़ते हैं, और कभी कभार ऐसा कि थोड़ा सा नंबर भी वापस आ सकता है। सो ये दो इसकी मेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट दी बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर मैनेजेबल, सक्सेसफुल है, प्रोवाइडेड आपकी आँख में कोई ऐसे इशू नहीं है विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, या कोई और ऐसी पैथोलॉजी प्रॉब्लम नहीं हो रही जिसकी वजह से लेज़र आपके लिए नहीं है। अदरवाइज अ सेफ प्रोसीजर। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।